गुरुकुल की परंपरा में पहले बच्चों को आश्रम भेज दिया जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो एक आश्रम था और उसके एक गुरु थे, बहुत सारे शिष्यों को वो शिक्षा देते थे। एक बार उस गुरु ने सोचा कि मैंने इतने दिनों से इतने सैकड़ों शिष्यों को शिक्षा दी है, लेकिन थोड़ा जांचते हैं कि मेरे शिष्य का शिक्षा जो उसने ग्रहण किया है उसका स्तर कहाँ तक पहुंचा है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, जांचते जांचते अंत में दो शिष्य ऐसा बच गया। नहीं कहते हैं जो टॉप पे रहता है तो कहते हैं हम कि टॉप पे सबसे ऊपर में दो है, अब कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा, अब मास्टर सोच रहा है बच के, दोनों एक जैसा अंक ले आया है। तो अब वो गुरु परेशान हुए कि अब अंतिम परीक्षा क्या की जाए। तो उस गुरु ने कहा कि सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूँ और एक काम तुमको एक काम सौंप के जाता हूँ कि मेरे तरफ से गेहूं की बालियों की दो पोटली है, एक तुम रखो और एक तुम रखो। इन दोनों पोटली में गेहूं के दाने हैं। मैं कुछ समय के बाद जब वापस लौटूंगा तो जो मैंने तुमको दिया है तुम सब बिल्कुल उसी तरह से मुझको वापस करोगे। गुरु चले गए। पहला शिष्य जो था उसने सोचा गुरु ने दिया है, तो गुरु की दी हुई कोई मिट्टी भी बहुत कीमती होती है, गुरु ने दिया है तो उसने सोचा कि अब इतनी कीमती चीज को मैं कहाँ रखूं। तो उसने जो सबसे सुरक्षित अलमारी थी उसमें रख कर उसमें ताला लगाया ताकि कोई इसको चुरा ना सके, कोई इसको ले ना सके, सुरक्षित रहे वो। दूसरा शिष्य कुछ देर तक बैठ के सोचता रहा, ये सोचता रहा कि गुरु ने क्या सोचकर मुझको दिया, ये गेहूं के दाने क्यों दिया, आखिर गुरु क्या चाहते थे, गुरु के आदेश में गुरु की इच्छा मिली होती है। आदेश गुरु ने दिया है लेकिन उनकी इच्छा यही है कि इस आदेश को करने से आपको होगा क्या, आपको मिलेगा क्या। तो उस शिष्य ने सोचा कि गुरु पता नहीं कब आएंगे, तो आश्रम के पीछे जमीन है, क्यों नहीं उस जमीन को जोत कर और इन गेहूं के दाने को वहीं पे लगा देते हैं। तो उसने क्या किया, कुदाल उठाया, पूरे खेत को कोड़ दिया और एकदम अच्छे मिजाज में गेहूं के दाने को बोया, उसको पानी से सींचता रहा, जब जब जो जरूरत हुई करता रहा। कुछ समय बीत गया, गुरु वापस लौटे तो उन्होंने कहा, दोनों शिष्यों को बुलाया, पहले से पूछा कि मैंने जो तुमको पोटली दी थी गेहूं की वो कहाँ है। तो वो शिष्य दौड़ के गया, ताले को खोला, उसने पोटली उठाई और दौड़ कर फिर से वापस गुरु के पास आया। गुरु ने पोटली को खोला, सारे दाने क्या हो गए थे, आप लोग भी किसान हैं, मतलब हम किसान हैं नहीं लेकिन मेरा शौक बहुत है कि काश हमको ये काम करने को कभी मिलता, कभी ना कभी मिल जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कि कीचड़ में पानी में लोग पौधे को लगाते हैं और उसमें गेहूं की धान की बालियां उगती हैं होती हैं। तो अगर दाने को आप रख दीजिए कुछ समय तो क्या होता है आपको नहीं पता, सड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। बहुत कीमती गुरु की दी हुई चीज है लेकिन अगर बंद करके अपने पास रख लिया तो सड़ गया। और दूसरे शिष्य ने क्या किया, उसने उन कुछ दानों को रोप दिया, बो दिया जमीन में, तो धरती का सीना फाड़ कर वो ऐसा पौधा निकला जिससे कुछ दाने से असंख्य दाने बने उसमें। अब बताइए कि वो गुरु का प्रिय कौन से होगा, आप लोग ठीक से नहीं बता रहे हैं। दूसरा क्यों, क्योंकि गुरु ने यही तो कहा था मेरी चीज को बचा के रखना,
जो मैंने तुमको दिया। अब बताइए जरा, वरेण्य गुरु प्रातः साहब श्री हरिंदानंद जी ने हम लोगों को क्या सौंपा है, क्या दिया है? शिव की शिष्यता। अभी थोड़ी देर पहले ये बहन गौरी जी बोल रही थी कि शिव के शिष्यता का बिया रोपना है हम लोगों को, यही कह रही थी ना। सुन रहे थे हम लोग, कौन क्या कहेगा कोई नहीं जानता, सब शिव के लोग हैं, वो किससे क्या कहवाएंगे। देखिए, बिया रोपने की बात कही जा रही है, शिव शिष्यता का बिया। तो क्या इस बिये को हमको अपने अपने पास रख के घाटशिला के घर घर में ताला में बंद करके और टाटा में घूमने चले जाना है, या इस दाने को इतना छींटना है कि ये दाना एक दिन गेहूं की बालियों से भर जाए, हम रहे ना रहे ये शिव के शिष्यता ऐसी ही उगती रहे लगती रहे और लोग इससे अपनी मन की भूख को मिटाते रहे, क्योंकि मन का भूख तो कोई और नहीं मिटा सकता महादेव के सिवा, जिसने इस मन को बनाया है। तो हम लोग को क्या करना है, दाने को छींटना है ना। तो हम लोग विश्वास रखें कि सबको मिल के हम लोग इस काम को करेंगे, क्योंकि शिव के शिष्यता में साहब हरिंदानंद जी ने असंख्य हरिंदानंद और नीलम दीदी को पैदा किया है। गली गली में जो कहते हैं, रास्ते रास्ते में जो कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके होंगे, जो हम लोग अपने गानों में गाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा, वो सपना हमारे साहब ने देखा और इस सपने की पूर्ति हम सभी उनके गुरु भाई गुरु बहन, उन्होंने हमें मान दिया, उन्होंने हमें वो इज्जत दी, अपने पलकों पे बिठाया और कहा कि नहीं। लोग कहते हैं कि आपको मानने वाले लोग, तो वो कहते थे नहीं, मेरे भाई हैं ये, मेरी बहन हैं ये। ये मान आज तक के इतिहास में किसी को नहीं मिला, जिसने शिव से प्राप्त किया उसने खुद को स्थापित किया इस दुनिया में, लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने खुद को नहीं अपने शिव को स्थापित किया है, और ऐसी स्थापना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। मंदिरों में हुई, दिलों में नहीं हुई थी, दिल में हुई। हम अपने दिल से उन साहब को प्रणाम करते हैं, अपनी दीदी को प्रणाम करते हैं, वो हमारे मन को ऐसा ही बना के रखे, इतना ही सुंदर, इतना ही शिवमय। चलिए, अब हम लोग के भी विदा होने का समय आ गया है। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी दीदी नीलम आनंद जी को देखा होगा। 2005 में 17 जून को वो शिवलीन हुई। उन्होंने शिव के शिष्यों से ये वादा किया, उन्होंने शिव के शिष्यों अपने गुरु भाई गुरु बहनों से ये कहा कि आप अगर इस रास्ते पे चलते रहेंगे तो मैं आपके रास्ते के कांटों को चुन लूंगी। कांटे तो होंगे रास्ते में, लेकिन दीदी नीलम आनंद कहती है कि मैं अपने गुरु के लिए आपके रास्ते के कांटों को चुन लूंगी। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी ने कहा, मैं शिव का शिष्य हरिंदानंद, उन्होंने लिखा है इसको, आपने पढ़ा होगा इसको, मैं शिव का शिष्य हरिंदानंद पद प्रक्षालन करूंगा। पद प्रक्षालन, शिव का शिष्य कहता है कि वो आपके पैरों को धो देगा पानी से, धूल और मिट्टी जो लगी है, थकान जो हुई है, आपका पद प्रक्षालन करूंगा। किसका? जो शिव के शिष्यता के पथिक है या जो होंगे, यानी इस रास्ते पे चलने वाले हर व्यक्ति के साथ वो खुद है, उनकी ऊर्जा चलती है, संचरित होती है। हम सब इस रास्ते में एक हमको होना होगा, क्योंकि एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबको संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। एक मन, एक वचन, एक कर्म
का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। चलिए हम लोग अब विदा लेते हैं, आप भी अपने घरों को सुरक्षित लौटिए और हम सबके जीवन में हमारे गुरु शिव, हमारे साहब दीदी ऐसे ही विराजमान रहे, हमेशा ऊंचे उस सिंहासन पे बैठे रहे, मुस्कुराते रहे और हम शिव की सिद्धता में चलते रहे। हम सबका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो। माँ दीदी नीलम आनंद का साधुवाद सबको मिले। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।